सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। सो आपका सबसे पहले तो यार गुड मॉर्निंग जो भी आज के सेशन में आया है, और इतनी गारंटी यार जो भी आज के सेशन अटेंड कर रहा है उसको लाइफ में डायरेक्शन मिलने वाली है कि उसे लाइफ में आगे क्या करना है, किस तरीके से वो करने वाला है, और सक्सेस के क्या रूल्स होते हैं, और हम किन रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस कारण से हम लाइफ में रुक रहे हैं, क्योंकि हम स्टक हो रहे हैं। और अगर आप इन रीजंस को जानते हो और अगर आपको ये रीजंस पता चलते हैं जो आज सागर सर आपको बताने वाले हैं, तो इतनी गारंटी करके आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करने वाले हो। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुनना, हो सके तो पेन पेपर लेके बैठना, और लेट के अगर अटेंड कर रहे हो तो बैठ जाना, लेट के अटेंड मत करना कोई भी सेशन। सो सागर सर, एक मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। सागर सर एक कंपनी के डायरेक्टर एंड मैनेजर हैं जो कि फोटोग्राफी कंपनी है, उसके अलावा माइंडसेट ट्रेनर है और कंटेंट क्रिएटर है और पब्लिक स्पीकर भी है। तो आपको आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है सर। डोंट मिस, कॉपी पेन लेके बैठो। एंड सागर सर, अब मैं आपको होल्ड करना चाहूंगा, आप कर सकते हो। ओके सो अभी मैं यार बात ये है कि मैं अभी अपने गांव आया हुआ हूँ। लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। बात यह है कि मैं अभी बाहर हूँ थोड़ा सा, तो अभी गाड़ी पे ही बैठ के मैं सेशन ले रहा हूँ आज। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, सब लोग एक्टिव है एक बार प्लीज मेरे को कन्फर्म कीजिए। यस अगर आप बोलेंगे सबके सब तो मुझे को पता चलेगा कि एक्टिव है सबके सब यहाँ पे। यस एक बार बताएंगे सबके सब। ओके सबके सब एक बार यस बोलेंगे। ओके 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 ग्रेट 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 ग्रेट। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वैसे भी 12 बज चुके हैं। सो जय श्री कृष्ण। बात करूंगा पहला एक चीज मैं बात करूंगा, सॉरी वो थोड़ा कॉल आ गया था। पहला एक चीज मैं यार बोलना चाहूंगा आप सभी लोग से कि जो भी अभी सीरियस है वही रहेंगे, क्योंकि मैं आज जो बात करने वाला वो हवा वाली बात नहीं होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है जो वाकई में कुछ चाह रहे हैं अपने लाइफ को लेके, नॉट इवन इन जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग रेदर देन अदर थिंग ऑल्सो। ओके दूसरे चीजों में भी अगर वो चाह रहे हैं कि आगे बढ़े, अपने लाइफ को भी थोड़ा सा बोल सकते हैं ना एक अपर लेवल पे ले जाए, नेक्स्ट लेवल पे, वो यहाँ पे रहेगा। बाकी जा सकते बॉस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग वाली बात नहीं होने वाली। जो पैसे के पीछे भाग रहा है वो यहाँ से जा सकता है, पहला चीज। ओके सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा, जो भी आपको इतने ऊपर ला चुका है, जिन लोगों ने आपको ट्रेनिंग दे रखी है, सबका एक बार आप थैंक यू बोल लीजिए, ग्रेटफुल रहिए सबके लिए पहले तो। और आप जिनको ही मानते हैं, मैं जैसे कि कृष्णा जी को मानता हूँ तो जय श्री कृष्णा सबको पहले तो। और आप सभी लोग अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप वाकई में बिलीव करते हैं। तो एक डिवाइन बोलते हैं ना, डिवाइन एक या एक एक बात मैं बता देता हूँ आप लोग को, कभी भी यार डर की वजह से किसी को मत मानना। ये आज यहाँ से लेके जाना पहला, तो जो भी जा रहे हो यहाँ से। आप हमेशा याद रखो, डर की वजह से किसी को मत मानो। अगर आपको प्यार है, अगर आप वाकई में उसको वैल्यू करते हो तभी मानो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना। ओके सो यार आज का जो सेशन होने वाला है वो एक चीज को लेके है, जो है आपका माइंडसेट। और जो आज का सेशन का टॉपिक था, आप जैसे जानते हो टॉपिक क्या था आज का। आज का जो टॉपिक है वो है सीक्रेट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, बोल सकते हो आप। तो जो हाईली सक्सेसफुल पीपल है, जो मैं अभी तक रिसर्च कर पाया, जो मैं खुद का स्टार्टअप कर पाया, और जिस वजह से आज 4 साल हो गए हैं मेरे को अपने बिजनेस को लेके, तो उसके बारे में बता दूं पहले तो। जैसे अमन भाई ने बताया, तो मैं ऑलरेडी डायरेक्टर मैनेजर, एज अ डायरेक्टर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ ARDWeddings.in, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप पूरे वर्क देख सकते हो, ऑल कवर सॉन्ग वेब सीरीज एंड ऑल द प्रोडक्शन वर्क, फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वर्क का हमारा पूरे के पूरे टीम है। एंड मैं साथ में अभी एफिलिएट मार्केटर तो हूँ ही, एंड डिजिटल कोच ऑल्सो, माइंडसेट ट्रेनर, बहुत सारे लोग को उनके बिजनेस में भी हेल्प कर रहा हूँ। वॉइस नहीं आ रही बोल रहे हैं कई लोग, वॉइस नहीं आ रही है। मैं क्या मैं ऑडिबल हूँ? Am I audible to you? आप सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो टाइप यस, अगर आपको आवाज आ रही है तो। आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके सो कंटिन्यू करते हैं। तो यार चार चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, और अमन सर ने जो आपको बताया वो क्या क्या चीजें हैं। मैं पहले डायरेक्टर मैनेजर ऑफ फोटोग्राफी टीम ARDWeddings.in, उसके बाद आगे मैं बात करूँ तो माइंडसेट ट्रेनर, डिजिटल कोच, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, एंड साथ में ऑफलाइन में मैं साथ में बिजनेस ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, जिसमें एक 9th क्लास की अभी बच्ची है जो ऑलमोस्ट अपना अच्छा एक बिजनेस क्रिएट करी खुद का, और मैं उसको ऑनलाइन ले जाने पर भी मदद कर रहा हूँ साथ में।
एंड ऑल्सो द क्रेजी वाइज ओपन माइक शो, अगर आप यूट्यूब में सर्च मारते हो तो मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ लोगों को ताकि वो अपने पब्लिक स्पीकिंग को बढ़ा सके, अपने बोल सकते हैं पोएट्रीज है और कुछ लोग बोलते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर यूट्यूब पे जो आते हैं योर कॉड के आते हैं और हैबिटेट वगैरह जो भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, वैसे ही मैं भी एक प्लेटफॉर्म देता हूँ लोगों को ताकि वो माइक का यूज करना सीख जाए और अपने फीलिंग्स को शेयर करे वहाँ पे आके, एक स्पीकिंग लेवल को अपना चेंज करे। सो ये सारी चीजें मैं अभी कर रहा हूँ और दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आपके सेशन लेने लायक हूँ अभी, आप जो जिस हिसाब से आप सुनने आए हो मेरे को। सो अभी हम आगे जाते हैं और पहला चीज जो मैंने बोला कि यार देखो ये इट इज नॉट ऑल अबाउट यार एफिलिएट मार्केटिंग या सेल्स को लेके एकदम ज्यादा नहीं होगा, मैं बहुत सारे चीज को कवर करने वाला हूँ जो आपको लिटरली हेल्प करेगा आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में। तो यहाँ पे जो लोग बचे हैं या फिर जो लोग रुक रहे हैं वो इसी बात इसी इंटेंशन से रुके, जो सीखना चाहते हैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो इस इंटेंशन से रुकेंगे तो आप रुक सकते हो, वरना आप जा सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं एंड बात था आज जो स्टार्ट टॉपिक था वो था हाईली सक्सेसफुल जो पीपल है उनके सीक्रेट्स के बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कुछ बुलेट लाइंस है उनको मैं लेके चलूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार आप जहां पे भी काम करो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करो, चाहे आप खुद का बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, ओके, आपको क्या करना है, पहले आपको बी रियल होना है। बी रियल इन द सेंस क्या समझ आ रहा है आपको, बी रियल मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी बहुत लोग के एक माइंडसेट रहता है, आपको आसपास अभी जितने लोग हो आप लोग देख लेना, अगर आपके अंदर नहीं है तो कई लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि बनने की कोशिश करते हो कैमरे के सामने, मतलब जो वो है नहीं वो बन के दिखाते हैं। आपको आइडिया है क्या ये चीज, यस करके बताएंगे मेरे को। ये आइडिया है कि आपको कि यार बहुत लोग बनने की कोशिश करते हैं, फालतू में बनते हैं, जो है नहीं वो बनने की कोशिश करते, दिखाने की कोशिश करते, ये मानते हो आप, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन बन रहे। तो हमेशा याद रखो अगर लाइफ में आगे जाना है ना, आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको रियल रहना पड़ेगा। आप जैसे बैक टू द कैमरा हो ना, आप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा, तब जाके आपसे लोग कनेक्ट होंगे। तो बी रियल रहना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यार देखो मेरी बात अगर मैं करूं, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं अपने गांव आया हुआ हूं शहर को छोड़ के, एंड मेरे को सेशन लेना था, अमन भाई से कल बात हुई थी सेशन लेना सर आपको, मैं बोला ओके डन करते। मेरे गांव में अभी क्या है कि सिग्नल का प्रॉब्लम है, बट मैं यहां पे सेशन लेना है करके यहां पे कार पे भी आके यहां पे सेशन ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे को एक सेटअप चाहिए जो मेरे घर में रखा हुआ है या फिर मेरे को माइक चाहिए जो घर में रखा है, ये सारी चीज की जरूरत नहीं है। अगर एजुकेशन चाहिए ना आपको, रियल रहना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बैठ के सेशन ले रहा हूँ, कार के अंदर बैठा हूँ और नॉर्मली बैठा हुआ हूँ यहाँ पे एक ओपन प्लेस में आके, तो यार इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब जबरदस्ती का सोचू दस चीजें। देखो यार जो जिसको सीखना है ना वो बैठेगा, तो पहले तो आप रियल रहो, क्योंकि आप रियल लोग के साथ जुड़ रहे हो तो ही आप आगे जाओगे। मेरे को देखो एक चीज याद रखना, आपको या फिर मेरे तो खासकर मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे को उन 100 लोगों से मतलब नहीं है जो काम नहीं करने वाले फिर भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 100 मेरे को 100 से मतलब नहीं, मेरे को उस 5 से मतलब है जो लिटरली ज्वाइन कर रहा है और काम करने वाला है। आई वॉन्ट क्वालिटी पीपल, आई डोंट वॉन्ट क्वान्टिटी, ठीक है, मेरे को क्वान्टिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ओके। तो ये सबसे बड़ी चीज है, अगर आप रियल हो ना तो ही आप आगे जाओगे। ऐसा नहीं कि संदीप भाई सॉरी सामने कुछ और दिखता है और पीछे कुछ और है, या एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हमारे वो सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जैसे थे वैसे ही आज भी थे, और मतलब आज भी जब वो चले गए तब भी वैसे ही दिख रहे थे, और पहले भी वैसे ही थे, और आने वाले टाइम में संदीप मैसूरी वैसे ही रहेंगे, तब वो टिकेंगे, वरना कोई भी इंसान आगे नहीं जा सकता। याद रखना कोई भी इंसान आगे नहीं जा सकता अगर रियल नहीं है। सो कीप इन माइंड, और आप लिख लो, लिख रहे हो तो बी रियल, अगर आपको आगे जाना है आपको रियल रहना पड़ेगा, फालतू की बातें नहीं करनी है। आप जो चाहते हो, आप जो अंदर से फील करते हो वही बातें बोलो तो ही आगे जाओगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है बी रियल फर्स्ट हो गया। दूसरा है यार नेवर जज, दूसरा मैं बुलेट लाइन में मेरा ये जो था नेवर जज, बहुत लोग जज करते हैं। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप उस एक्टर को जानते हो क्या, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, किन लोगों ने यहाँ पे वो पिक्चर देखी है, बाल ठाकरे मूवी किन लोगों ने देखा है, बाल ठाकरे यहाँ पे यस बोलेंगे, बाल ठाकरे मूवी किन लोगों ने देखा है यहाँ पे यस बताएंगे सब लोग, जितने लोगों ने बाल ठाकरे की मूवी देखी है, बाल ठाकरे मूवी, हाउ मेनी ऑफ यू प्लीज गिव मी यस। ओके बाबा साहब ठाकरे, ओके। सो किन लोगों ने देखा है मूवी, देखा है जिन लोगों ने बाबा साहब ठाकरे जो मूवी, बहुत अच्छी मूवी लगी मेरे को, बहुत ही रेस्पेक्टेड मैन थे, बहुत ही जबरदस्त इंसान,
ओके किसी ने नहीं देखी, एक काम करना देख लेना, टाइम अगर निकलता है आपके बिजी शेड्यूल से तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देखना। तो यहाँ जितने लोगों ने देखा है ना, हाँ तो जितने बाला साहब ठाकरे ओके हाँ तो जितने लोगों ने यहाँ पे देखा है उस मूवी को, उस मूवी में जो एक्टर है वो एक्टर का स्ट्रगल आप जानते हो ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उस एक्टर को आप जानते हो जिन्होंने देखा है, मेरे को बताएंगे यस, उस एक्टर को आप जानते हो अच्छे से, वो एक्ट, हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, गुड 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 ग्रेट यार, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी भी एंगल से ऐसे एक्टर वाला क्वालिटी नहीं लगता, लेकिन उसने जो अपने लाइफ में किया ना, इसीलिए बोला मैं नेवर जज एनीवन, या फिर बोलते हैं ना नेवर जज बुक बाय इट्स कवर, उसके कवर से मत जज करो, आपको नहीं पता है कौन कितना उखाड़ने वाला है और कौन कितना क्या क्या बैठा है, नेवर जज। तो हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि हम ना किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे तो हम पहले से सोच लेते हैं कि यार ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये हो ही नहीं सकता, ये करेगा, ये वाला काम बंद करो पहले, आप जज करना टोटली बंद कर दो, आप अगर आपको आगे जाना है जज करना बंद कर दो। देखो यार हमेशा सेलिंग के पीछे मत भागो, हो सकता है वो आपका अच्छा दोस्त बन जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं दूसरे चीज में वो काम आए, सभी लोग कुछ ना कुछ के लिए बने हैं, सो नेवर जज बुक बाय इट्स कवर, उनके कवर से कभी भी जज मत करो, वो कितने जबरदस्त एक्टर है आपको ही पता है, ओके। सो यार कभी भी उनको जज मत करो, अभी आप कोई भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या इंस्टाग्राम में आप देख रहे हो, बहुत लोग क्या प्रोफाइल देख के जज करते हैं, बहुत लोग की एक आदत है प्रोफाइल देख के जज करते हैं, तो ये करना तो पहले आप बंद करो, ओके। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, जो सबसे मेन और मुख्य पॉइंट है जो मैं अपने लाइफ में करते आया हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत लोगों को, क्या है यार, इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, कब तक बैठे रहोगे। बहुत लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना यार, देखो आप जो काम कर रहे हो वो अपर लेवल का काम है, सेलिंग है ना, जो सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसमें यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो जितने भी आज बड़े लोग हैं वो बिना सेलिंग के नहीं बने हैं, सेलिंग तो यार मस्ट है। अभी अगर आप यार इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हो तो सेलिंग नहीं कर सकते। और राहुल भटनागर सर को कितने लोग जानते हैं, उनका एक जबरदस्त लाइन है जो मेरे को अच्छा लगता है, वो ये कि हाउ यू बाय इज हाउ यू सेल, जैसे आप खरीदते हो ना वैसा आप बेचते भी हो, ओके इसको दिमाग में डाल लो, लिख के रख लो, गोल्डन लाइन है, जैसे आप खरीदते हो हाउ यू बाय इज हाउ यू सेल, जैसे आप खरीदोगे वैसे ही आप बेचोगे, इसका मतलब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हटना है, खासकर तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल भी पीछे मत हटो, हो सकता है सब कुछ नहीं मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ऐसा बोला जाता है कि सबको सब कुछ पता नहीं होता, मुझे भी सब कुछ पता नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट, ओके आई एम नॉट परफेक्ट, बट सबको सब कुछ पता नहीं होता लेकिन सबको कुछ ना कुछ जरूर पता होता है, और वो सब कोई जब कुछ ना कुछ आपको बताते हैं तो आपको चांस बनता है कि सब कुछ पता चल जाए, दैट्स व्हाई आपको किसी को भी जज नहीं करना है। और दूसरा चीज तो ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरना है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जरूर बताएगा वो इंसान अगर वो ऊपर गया है तो। अभी यार मैं एक चीज को ना आपको और बताना चाहूंगा जो लोग ना नहीं समझते हैं, खासकर मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे पीछे ना कहीं एक यूनिवर्सल पावर काम करता है, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट देयर इज सम पावर बिहाइंड अस व्हिच इज वर्किंग नाउ, अभी जो काम कर रहा है, ओके कितने लोग हैं, ओके अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको समझ आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी इंसान जो अभी सक्सेसफुल है, इवन संदीप महेश्वरी, इवन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इवन कोई भी, कभी भी किसी का बेइज्जती नहीं करते, आप देखना कोई भी कितने भी सक्सेसफुल है किसी का बेइज्जती नहीं करते, किसी सक्सेसफुल इंसान का बेइज्जती नहीं, खासकर तो मैं देखा हूँ बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है, खासकर हमारे परिवार में या फिर हमारे फैमिली में माइंडसेट क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से, वो दो नंबर का पैसा होगा, कितने लोग ऐसे है वो दो नंबर का पैसा सुने हो क्या कभी भी, वो दो नंबर का पैसा होगा, इतना बड़ा घर बनाया उसने, सुने हो क्या कभी भी, यस कहता हूँ, यस बताओ, यहाँ पे दो नंबर का पैसा होगा वो, ओके 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 ओके। अभी एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जितने लोग दो नंबर का पैसा बोलते ना वो लोग जिंदगी भर वैसे ही रहते जैसे वो थे हैं और वो ऐसे ही रहेंगे। अब मैं बता रहा हूँ क्यों, बात को ध्यान से सुनना, जितने लोग ने बोला है ना पीछे जो एक काम करते हैं हमारे जो एक पावर, ओके अभी यहाँ ध्यान से सुनना उसको, ध्यान से पूरा, जब आप किसी की बेइज्जती करो जो ऑलरेडी एक लेवल पे है, जिसका बड़ा बड़ा सा घर है, बड़ी गाड़ी है, सब चीज है, सक्सेस है वो, जब आप बेइज्जती करते हो तो आप उसकी नहीं उसके सक्सेस की बेइज्जती करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, सक्सेस अलग अलग नहीं होता, सक्सेस होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सक्सेस की बेइज्जती करते हो। और आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो, सक्सेस, मानते हो इस बात को, यस बताओ फटाक से,
फटाक से एकदम, मानते हो इस बात को? आप भी सक्सेस चाहते हो अपने लाइफ में, सक्सेस चाहते हो ना? ओके, अभी आप क्या कर रहे हो? अगर आप मेरी बेइज्जती करते हो, मैं आपके पास बैठा हूँ, आप मेरी बेइज्जती करोगे, मैं नहीं बैठूंगा, या आपकी कोई बेइज्जती करेगा, आप बैठोगे क्या? कोई भी बेइज्जती करेगा, यस या नो में बताओ। अगर आपकी कोई बेइज्जती करे, आप बैठोगे वहां पे? यस नो, प्लीज गिव मी द आंसर। आप बैठोगे वहां पे जहां पे आपकी बेइज्जती होगी? ओके, आप बताओ, लोग जब सक्सेस की बेइज्जती कर रहे हैं, इनडायरेक्टली सक्सेस आएगा उनके पास? सक्सेस दूर से भागेगा कि आएगा उनके पास? यस नो, भागेगा कि नहीं? यस नो, बताओ फटाक से, फटाक से। सक्सेस दूर से जाएगा ना, जब आप सक्सेस की बेइज्जती कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप सक्सेस की बेइज्जती कर रहे हो उस इंसान की, नहीं। दैट इज वाई ये यूनिवर्सल रूल है। बहुत लोग जो होते हैं ना हाईली सक्सेसफुल, वो दूसरों के बारे में बात नहीं करते भी, और बात करेंगे भी तो अच्छा बोल देते, कभी वो बुरा नहीं बोलते, याद रखना, क्योंकि वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ किया है, तब उसने इतना सारा चीज पाया है। मजाक नहीं चल रही यहाँ पे, ओके, याद रखना। तो कभी भी याद रखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप उनसे सीखो, उनकी बेइज्जती मत करो, उनसे सीखो कि वो क्यों ऐसा किए, क्यों इतना ऊपर आ चुके हैं, याद रखना। ओके, सो आगे चलते हैं। अभी आगे जो टॉपिक है वो मैं आपको कवर करना चाह रहा हूँ। आप कितने लोग को आप में से लगता है कि माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट? How many of you believe that mindset is very important? How many of you believe that mindset is very important? Okay. So give me the answer first. कितने लोग यहाँ पे mindset पे daily काम कर रहे हो? Daily काम कर रहे हो? Give me yes. How many of you are working on your mindset? How many of you? Please give me yes. Please give me yes. Okay. Okay. So as a mindset trainer, मैं आपको बताऊंगा mindset कितना important है और क्यों काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि जितने भी highly successful people हैं वो ऐसे ही आगे गए हैं। आगे बात करते हैं। So mindset क्यों important है और कैसे हम इसको काम कर सकते हैं अपने लिए, मैं बताता हूँ आपको। Mindset is a base, और बोल सकते हो root ऑफ और पूरा बॉडी, या बोल लो आप पूरे लाइफ का जो रूट है ना, हमारा माइंडसेट है। आप मानते हो क्या? एग्री, गिव मी एग्री, गिव मी एग्री। आप मानते हो माइंडसेट इज द बेस ऑफ आवर होल लाइफ, पूरे माइंडसेट जो है हमारे पूरे, हाँ एग्री। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो बेस है। दैट्स व्हाई अगर आप सेल भी कर रहे हो, अगर आप अपने लाइफ में आगे जा रहे हो, यू हैव टू क्लियर योर माइंडसेट, यू हैव टू स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू कीप स्ट्रॉन्ग योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, वरना आप नहीं आगे जा सकते, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ ये मैंने क्यों बोला आपको। अब मैं थोड़ी सी अपनी कहानी में आ जाता हूँ, क्योंकि देखो यार आप बैठ रहे हो, सुन रहे हो यहाँ पे मेरे को बैठ के, तो थोड़ी सी अपनी कहानी में आता हूँ मैं माइंडसेट को लेके खासकर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा आई एम कॉलेज ड्रॉप आउट, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। और ऐसा बहुत लोग ने सुना होगा कि कॉलेज ड्रॉप आउट ऐसे होते वैसे होते, थोड़ा आगे निकल जाते, तो ये थोड़ा सा मिथ है, इसको निकाल देना। भले ही मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कॉलेज ड्रॉप आउट करके आगे निकल जाते हैं। ओके, बहुत सारे अभी सक्सेस स्टोरी नहीं है जो सामने नहीं आते, फेलियर स्टोरी होते। सो आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट, पहले मैं बता देता हूँ, आगे बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट किया मैंने, उस समय मैं फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन का कंपनी स्टार्ट करने वाला था, स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला था। एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो मेरे कॉलेज पे थे, मेरे जो गुरु लोग थे और मैं जिनको बहुत अच्छा मानता हूँ, उन्होंने मेरे को समझाया था। कुछ अच्छे थे जो जानते थे कि यार कर सकते हैं कोई भी काम, उन्होंने तो मेरे को बताया कि हाँ यार कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मेरा अच्छा भला चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर नहीं था। देखो एक बात बता रहा हूँ, कभी भी कोई इंसान किसी के बारे में जब बात करता है और बोलते हैं कि तुम नहीं करोगे, इसका मतलब ये रहता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी बता रहा है, वो खुद नहीं कर पा रहा है। एक्चुअल में बात समझ आ रही है? गिव मी यस, गिव मी यस, वो खुद नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई वो बोलता है सामने। गिव मी यस, मेरे को यस दे सकते हो क्या अभी? बताओ मेरे को, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर इंसान आपको बता रहा है ना कि आप नहीं कर सक रहे हो, इसका मतलब ये है कि उसने उखाड़ने की कोशिश की थी, नहीं हुआ, उसने छोड़ दिया, बात खत्म। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने छोड़ा अपने कॉलेज को, जब मैं ड्रॉप आउट कर रहा था, उस समय बहुत सारे लोग मेरे को क्या बोले, यार देखो मेरे यहाँ भी एक लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, उसने भी ट्राई किया फोटोग्राफी, बट कुछ नहीं हो पाया, और आज वो भटक रहा है जॉब लेने के लिए। आई एम राइट अवे नाउ 4 years फ्रॉम माई कॉलेज। अब मैं बता रहा हूँ, आज मैं अपने कॉलेज से 4 साल हो चुके हैं मेरे को छोड़े, 4 साल में
मतलब मैं अगर बात करूं उस समय मैंने ना हाँ बोला था, मैंने जवाब नहीं देखा। याद रखना एक और चीज, कभी भी ना अगर आपके पास ऐसे रिजेक्शन आते हैं आप उनको ओके बोल के खत्म करो, आपको पास टाइम नहीं। देखो एक बात बता रहा हूँ, जितने भी हाई सक्सेसफुल लोग है ना वो ये सब बातों में ना ध्यान नहीं देते, मतलब उनके पास टाइम रहता नहीं कि ये सब बात को समझाते बैठे रहे। अगर यार समझाते बैठे रहोगे तो आपका काम कौन करेगा? मैं समझाता ही नहीं बहुत लोग को, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं समझाता ही नहीं। ठीक है भैया आप अपने में बढ़िया, आप बड़े बढ़िया सब चीज। अभी मैं आगे चलता हूँ, मैंने 4 साल अभी हो चुके हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ बॉस, मैंने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी करना। उस समय मैं जो अमाउंट लेता था मानोगे नहीं यार, 100 रुपए 150 रुपए 500 रुपए में चालू किया था फोटोग्राफी। बेसिक सा कैमरा था मेरे पास 30,000 का, वो था निकॉन 3300, ओके 3300, यहाँ पे किसी को नॉलेज होगा तो उसको पता होगा, 3300 से स्टार्ट किया था। 500 रुपए 600 रुपए ऐसे करके हम लेते थे, एक टाइम था। मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर सक्सेस इतनी सस्ती लगती ना तो मैं आपको बताता हूँ सक्सेस की कीमत। आज यार एक वेडिंग था मेरे को याद है आज भी, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी जितने लोग यहाँ पे पता होगा उसके फोटोग्राफी के टाइम में सॉफ्ट कॉपी उसको बोलते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी जो हम फोटो जो कैमरा में लेते हैं और वहीं रखते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी मेरे को करके देना था और एक वेडिंग था। मैंने बॉस एक दिन की वेडिंग 1500 में करके दिया था उसको, 1500 ओके 1500। अभी आप देख लो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी। ठीक है तो यार 1500 देखो, जिस दिन मैं कॉलेज से निकला था ना उस दिन मेरे को था कि यार करना तो है, देखते हैं। और मैं कभी भी ना एक चीज मैं नहीं मानता कि बोलते बहुत लोग यार रिस्क है बिजनेस में, आई डोंट थिंक एंड मैं कभी मानूंगा भी नहीं अगर आप बोलते हो रिस्क है तो। क्यों बताऊं मैं आपको, देखो यार एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस, सभी का प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोसेस में प्रॉपर चलते हो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ये मेरी गारंटी लिख के ले लो आप, अगर आप प्रोसेस के साथ चलते हो तो ग्रो करेगा। मैं आपको अपना थोड़ा सा बताऊंगा ताकि इससे आपको आइडिया मिल जाए कि आपको भी अगर स्टार्टअप करना है तो भी, और साथ में एफिलिएट आप कर रहे हो तो और कैसे आगे जाओगे। ओके अभी हम आगे चलते हैं। 1500 में किया था, दूसरी वेडिंग मैं किया था अकेले, उसमें वीडियो भी मैंने किया था और फोटो भी मैंने किया था एक ही कैमरे से उसमें। तो वो वाला जो वेडिंग था यार 5000 का था और 2 दिन में मैंने किया था 5000। वो मेरा पहला ऐसा इनकम, थोड़ा सा अच्छा इनकम था बोल सकते हो उस समय का, 5000 रुपए में मैंने किया था और उस समय सॉफ्ट कॉपी देना था मेरे को, एल्बम वगैरह की बात नहीं हुई थी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट किया और अच्छी बात है कि आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है मुझे आज, वो ये कि हम लोग का अभी हाई पैकेज जो है वही 1,50,000 का है। वन पैकेज, वन वेडिंग पैकेज ऑफ वन डे, एक दिन का 1,50,000 रुपीज, वर्थ रेट 1,50,000 रुपीज। एंड वी आर नॉट लाइक भटकते नहीं है हम अभी काम के लिए, काम सामने से आ रहे हैं अभी। एंड बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे कस्टमर्स बन चुके हैं अभी, बहुत हैप्पी कस्टमर्स बन चुके हैं, पूरे वेबसाइट में आप देख सकते हो जाके, बहुत सारा अच्छा हो रहा है अभी चीज। लेकिन 4 साल जो हम लोगों ने देखा है, एंड मैं आपको बता रहा हूँ उसमें नुकसान भी हम लोग के हुए, बहुत सारे नुकसान भी हुए। ऐसा नहीं है कि देखो यार गलती करके सीखता है आदमी, प्रोसेस था, प्रोसेस करके पहले हम जो थे यार ऐसे नॉर्मली उठाते थे ऑर्डर वगैरह, सारा चीज ऐसे ही निपटा के आते थे, इवेंट्स वगैरह वेब सीरीज वगैरह कुछ करना है या कवर सॉन्ग करना है तो नॉर्मल चलता था। बट बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा पेपर वर्क स्टार्ट किया, अब तो बिना पेपर वर्क के होता ही नहीं कुछ। तो अब ऐसा हो गया कि ऑफिशियल हो गया सारा चीज, अब पूरा हर चीज है। उस समय जो मेरे पास कैमरेज थे वो 30,000 20,000 40,000 के आसपास, आज एक भी कैमरा, आई स्वेयर आज एक भी कैमरा 1.5 लाख के नीचे का नहीं है, एक भी कैमरा 1.5 लाख के नीचे का मेरे पास नहीं है। ऑलरेडी वी हैव 4 to 5 कैमरास इन अवर टीम एंड नो नथिंग इज लाइक बोल सकते हो कोई भी एक ऐसा भी कैमरा नहीं है जो यार चलो मैं बोलूं 1,20,000 का 1,25,000 का, ऐसा सभी 1.5 लाख के ऊपर के हैं। अब मेरे को एक बात बताओ मैं आपको, आपको थोड़ा जान के अच्छा लगेगा। देखो यार मैं एक चीज मानता हूँ, जिन्होंने मेरे को बोला रहता है ना कि यार नहीं कर पाओगे तो मैं तो उसको करता हूँ पहला चीज। दूसरा चीज ये, मैं कभी नीचा नहीं दिखाता, अगर मैं करता भी हूँ तो नीचा नहीं दिखाता। कारण ये है, मैं मानता हूँ कि उन्हीं की वजह से सारा चीज हुआ और मैं प्रणाम करता हूँ जाके। और अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, एक महीना हो रहा है मतलब लॉकडाउन के जस्ट पहले, लॉकडाउन के बोल सकते 2 हफ्ते पहले ही उसी कॉलेज से मेरे पास कॉल आया, सागर आपका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या आप हमारे स्कूल हमारे कॉलेज में टीचर्स हैं कुछ कुछ उनके वेडिंग्स वगैरह आ रहे हैं, क्या आप उस वेडिंग्स में शूट के लिए कर सकते हो क्या, आ सकते क्या? मैंने बोला कि ठीक है देखते, बट मैंने उनको सारा चीज दे दिया, सारा चीज भेज दिया। सर वो मेरे सर थे तो मैंने अच्छे से बात किया, सब चीज किया एंड मैंने दे दिया, बट अभी तो लॉकडाउन का समय हो गया। सो यार आपको यहाँ से क्या समझ आया अभी आप मेरे को बता सकते हो क्या? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड इन दिस प्रोसेस, अभी इस प्रोसेस में क्या हुआ, एनीवन बताना चाहेगा?
ये जो प्रोसेस था इसमें क्या हुआ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रोसेस में क्या हुआ। हमने उस चीज को अपने दिमाग में नहीं आने दिया जो चीज हमारे लिए अच्छा नहीं था। बात समझ आई? योर मेंटल हैबिट और योर माइंडसेट इज द की टू योर सक्सेस। इसका मतलब ये है मेरे माइंडसेट में आज तक नहीं आया कि उन्होंने बोला और उनके चाचा के लड़के ने किया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा माइंडसेट था। दैट इज व्हाई माइंडसेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात समझो? ओके मेरी बात मान के आज से अगर स्टार्ट करते हो ना सब चीज, मैं बता रहा हूँ आपका माइंडसेट अगर क्लियर है, अगर आप किसी की बात को ध्यान नहीं देते, अपने माइंडसेट को अच्छे से करके आगे चलते हो, आपके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट को आना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। ये अभी तक का मेरा ऐसा था। अब साथ साथ में मैंने अभी स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग भी, सारा चीज मैं ये लगभग एक साल से मैं सीख रहा हूँ सारा चीज करना, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है तो यार ऑनलाइन बिजनेस अच्छा कुछ भी नहीं है। साथ में आगे बढ़ते हैं। ये था माइंडसेट इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा अब आगे चीज मैं बताऊं आपको, यू हैव टू फाइंड योर व्हाई। कितने लोग ने अपना व्हाई को लिख के रखा, अपने डायरी अपने कॉपी किसी में भी, कितने लोग ने यहाँ पे अपना व्हाई को एकदम क्लियर रखा है बताओ? कितने लोग ने यहाँ पे अपना व्हाई क्लियर रखा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक अपने व्हाई को एकदम क्लियर लिख के रखा हुआ है? ओके अच्छा ठीक। अच्छा यार एक बात बताओ, लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्या लगता है लिखना जरूरी है? देखो कई लोग क्या करते हैं ना, लिखते नहीं है, तो मैं बता देता हूँ लिखना क्यों जरूरी है। अभी जितने भी बड़े लोग हुए हैं, आपको पता ना, जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनके बारे में बुक्स लिखी गई है या खुद भी उन्होंने बुक्स लिखा है, मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने बुक लिखा है या फिर उनके बारे में बुक लिखी गई है, मानते हो? ओके दैट इज व्हाई राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लिखना इतना इसीलिए जरूरी है। ओके इसको बोला जाता है राइटिंग इसीलिए जरूरी है, और आपको हर चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपकी डायरी लो या फिर आप कॉपी लो, ऐसा कॉपी बनाओ जिसमें आप लिखना स्टार्ट करो। ओके इसीलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। तो वाई क्लियर रखना है आपको, अपना वाई को एकदम क्लियरली डिफाइन कर देना है, एकदम डिफाइन। मैं बता रहा हूँ एकदम मतलब पता है क्या एकदम कैसे होता है, जैसे कि आई वॉन्ट दिस 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 बाय द डेट ऑफ ये, मतलब आप जैसे अगले साल 2022 आने वाला है उसमें इतने तारीख तक मैं ऐसा कर सकता हूँ और ये मैं करने वाला हूँ, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अभी ये चीज अगर क्लियर लिख के रखते हो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है वो चीज आपके साथ होंगी, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके ओके ग्रेट यार वैभव, ओके बहुत अच्छा यार आप रीड करते हो, अच्छी बात है, रीड भी करना है। अच्छा हाँ वही है, लिख के बस मत रखना, रीड भी करना, अंडा नहीं देने वाले वहां पे। ओके तो रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे चलते हैं वाय क्लियर कैसे होना चाहिए। अब और थोड़ा डिटेल में इसको बात करते हैं कि कैसे आप वाय को और क्लियर कर सकते हो। अब मैं बताऊं आपको कितने लोग हैं यहाँ पे वाय को ज्यादातर मटेरियलिस्टिक रखे हुआ है। मटेरियलिस्टिक मतलब ये कि आई वॉन्ट टू बाय दिस कार फ्रॉम बाय द डेट ऑफ ये आई वॉन्ट टू बाय दिस ये, ऐसा किसने रखा है मटेरियलिस्टिक? गिव मी यस, हाउ मेनी ऑफ यू Keep the things in diary materialistic way, in materialistic way. किन्होंने materialistic way में रखा हुआ सारा चीज को? ओके अभी मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको। ओके देखो यार एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे आप materialistic way में रखते हो, मान लो जैसे कि देखो मेरा, जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि एक घर आपको चाहिए रहता है, जैसे होता है बहुत लोग एक बड़े को अच्छा घर चाहिए, ये होता है कि नहीं बताना मेरे को, एक अच्छा घर एक अच्छा कार, ठीक है अच्छा घर उसमें अपने मम्मी पापा और अपनी फैमिली, वहाँ एक अच्छा कार लग्जरीज कार होना चाहिए, और यहाँ पे अपना वहाँ अपना जो घर होना चाहिए वहाँ पे स्विमिंग पूल ये सब चीज बढ़िया अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब एक थोड़ा लग्जरियस लाइफ चाहिए अपने को, और ये हो गया तो फिर बस हो गया अभी तो अब अपन जी सकते हैं। ऐसा होता है क्या? बहुत लोग का ऐसा थिंकिंग रहता है कि नहीं रहता है? यस 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 गिव मी यस फटाक से एकदम बताओ यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं होता है, मतलब ये मानते ना? ओके अब मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो चलो आपके पास वो आ गया, आप क्या करोगे? गिव मी द रीजन टू लीव। अब जीने का कारण बताओ मेरे को। अब मैं थोड़ा सा जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट मोस्ट रियल पर्पस बताने वाला हूं मैं अभी। अब क्या करोगे? अभी मैं आपको सब ला के दे, चलो 3,500 करोड़ के मालिक भी बन गए मान लो, अब क्या करोगे? नेक्स्ट कब तक बनाओगे? मरते दम तक नेक्स्ट क्या बनाओगे? नेक्स्ट अभी क्या और क्या चाहिए आपको मटेरियलिस्टिक में? ओके पर्सनल ब्रांडिंग, अच्छी बात है, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, फिर क्या करोगे? ओके इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छी बात है, वाओ ग्रेट, अच्छी बात है। अभी और बताओ आपको उठने का कारण क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट, ओके 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 ग्रेट। अब देखो मैं बताऊं आपको, जितना मटेरियलिस्टिक से एकदम जुड़ने की कोशिश करोगे ना,
और पाते भी जाओगे, ऐसा नहीं है नहीं पाओगे, और मटेरियलिस्टिक जरूरी है, कहीं ना कहीं जरूरी है, ओके वो मैं मानता हूँ, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ रियल जो है। मेरे को एक बात बताओ, सच बताना यहाँ पे। देखो टारगेट अच्छी बात है पैसे में रखना, और मैं भी रखता हूँ, आप भी रखो, सब लोग रखते हैं, मटेरियलिस्टिक भी टारगेट रखते हैं, बट रियल पर्पस उसके पीछे बहुत बड़ा होता है। मैं बताऊँ आपको, एलन मस्क का रियल पर्पस जो था वो स्पेसएक्स को लेके क्या था, आपको पता है ना, कि कुछ अच्छा बनाना है, किसके लिए बनाना है, दुनिया के लिए, ये था रियल पर्पस। था कि नहीं था, गिव मी यस फटाक से एकदम, यस नो फटाक से एकदम, यस 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 फटाक से, था कि नहीं था उसका जो रियल पर्पस था, ओके। इसका मतलब क्या है पता है आपको, चलो एक जबरदस्त कहानी बताता हूँ यार, आपको यहाँ से रियल पर्पस समझ आएगा। दो लोग होते हैं, एक होता है राम और एक होता है श्याम, चलो राम श्याम तो यार भगवान के नाम हो गए, चलो ये दूसरा नाम रखते हैं, बार बार बदनाम नहीं करते अपन भगवान को, तो दूसरा नाम रख लेते हैं राजू एंड काजू। ओके राजू एंड काजू, मेरी बात ध्यान से सुनना, राजू एंड काजू, मान लो देखो राजू और काजू दोनों एक ही शहर से थे, बहुत अच्छे थे और दोनों अच्छे खासे दोस्त थे। अब ये होता है राजू ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है अपने चीज को लेके कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और जो काजू होता है ना वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को घर चाहिए, ये सारा चीज करता है वो, और उसके अलावा और कुछ नहीं रहता, उसके माइंड में सिर्फ यही रहता है। तो काफी अच्छा मेहनत करता है, जॉब वॉब ले लेता है जल्दी जल्दी चक्कर में, क्यों, क्योंकि उसको कार चाहिए। अभी भी राजू एकदम कंफ्यूज है, करूँ क्या, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब राजू कंफ्यूज अभी भी है, काजू अपना काम करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। एक दिन क्या होता है, अगले 1.5 साल के अंदर अंदर वो कार ले लेता है, अच्छा जॉब वॉब करके बढ़िया कार लेता है, EMI पे, बढ़िया रेड कलर की मस्त एकदम, तो चमकते रहती है कार, खड़ा रहता है। अब ये होता है कि राजू एक बार ना अपने घर पे रहता है, उसकी मम्मी का तबीयत अचानक खराब हो जाता है, और तबीयत खराब हो के फिर वो जाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए करता है, तो वो गांव में रहते हैं लोग हमेशा, तो गांव से शहर ले जाते उसकी मम्मी की हो जाती है मौत। ओके उसकी मम्मी की हो जाती है मौत। अब ये बहुत गुस्सा आ जाता है, इसका बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है यार केवल एक हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से मेरी मम्मी मर गई अभी। अब उसका दिमाग वहां खराब, और वो बोलता है अब मैं बनूंगा डॉक्टर, और ये जो रास्ता है, जो अभी ये रास्ता है, इसमें ऐसे हॉस्पिटल्स खड़े होंगे जिसकी वजह से बहुत लोग बचेंगे, मेरी मम्मी खत्म हुई, किसी और की मम्मी खत्म नहीं होगी आज की बात। और वो काम करना चालू करता है, रात दिन स्टडी, क्योंकि अभी तक तो कंफ्यूज था, अब मिल गया उसको, अब वो पढ़ना चालू करता है, बहुत जबरदस्त डॉक्टर बनता है। और इधर अपना काजू भाई घर वर भी ले लिया, और इधर कार वार भी ले लिया, ठीक है, और इधर ये चालू कर रहा है पढ़ना। 4-5 साल 6 साल 7 साल बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, इतनी मेहनत रात दिन एक कर देता है, उसको और कुछ दिखता नहीं है, खाना पीना सब एकदम त्यागने टाइप से करता है। और उसके बाद वो बन जाता है डॉक्टर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब वो बन जाता है डॉक्टर, और इतना बड़ा डॉक्टर कि अब उसके लिए मर्सिडीज और ऑडी तो चना मुर्रा हो गया अभी, मेरी बात सुनना, उसके लिए जो है ये नॉर्मल हो गया। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं राजू का अगर वो मर्सिडीज में जैसे मान लो घूम रहा है, अब वो आया और ठोका गया मर्सिडीज, तो क्या वो दूसरा ले लेगा, या फिर उसको फर्क भी पड़ेगा क्या कुछ बहुत ज्यादा? राजू की अगर मर्सिडीज ठोका भी गई तो उसको कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, या उसमें खरोच आ गया, कुछ भी फर्क पड़ेगा? मेरी बात बताओ यहाँ ध्यान से, उसके पास वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल चुका है, बहुत अच्छे लोगों को बचा रहा है, और उसका मेन मुद्दा यही है कि बचाना है लोगों को अच्छा खासा। अब मेरे को बताओ क्या उसको फर्क पड़ेगा उसकी मर्सिडीज ठुका जाती है या कुछ हो जाता है, क्योंकि रियल पर्पस तो लगे उसका भी, और ऐसे कई मर्सिडीज ले सकता है उसको, है ना। और एक और चीज पूछ देता हूँ, ओके नहीं पड़ेगा, और उसी साइड बाजू में काजू भी है, उसकी रेड कलर की कार अभी भी EMI पटा रहा है, और उसके बाजू में जाके मार दो खरोच, क्या होगा? मार दो एक तो पड़ाक से लाइन, जिंदा छोड़ेगा आपको? जिंदा छोड़ेगा आपको? यस नो, यस नो, जिंदा छोड़ेगा आपको? क्या समझ आया अभी? देर हैज टू सम रियल पर्पस इन योर लाइफ, देर हैज टू सम रियल पर्पस, बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए। देखो यार मैं नहीं बोलता मटेरियलिस्टिक चीज में मत जाओ, इवन मैंने भी अभी आईफोन बाय किया है और बहुत सारा चीज मैं अभी बाय कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें लगा रहूंगा, ठीक है, उसके पीछे एकदम डट के पड़ जाऊंगा ना, ये है बाई प्रोडक्ट, मेरी बात सुनना, ये है बाई प्रोडक्ट। आपका मेन मुद्दा कुछ और होना चाहिए, कुछ काम करने का, जिसकी वजह से आपको रोज उठने का एक जोश आ जाए, एक एक्साइटमेंट आ जाए, दैट इज वाई रियल पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और खासकर तो जितने बड़े लोग हैं उन्होंने रियल पर्पस रखा है, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल, सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोलूंगा मैं उनको, क्योंकि यार उन्होंने जो दिया है हमारे देश को बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका, अचीवमेंट बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया, मानते हो इस बात को? यस, गिव मी यस फटाक से, गिव मी यस, गिव मी यस, मानते हो आप इस बात को? APJ अब्दुल कलाम ने पूरे देश के लिए दिया, ओके।
तो यार यहाँ से क्या समझ आता है, वी हैव टू सम रियल पर्पस, आप हमारे पास कुछ तो ऐसा पर्पस होना चाहिए जिसकी वजह से हम उठ पाए। तो आप आज ही उस पर्पस को क्लियर करोगे, मेरी बात समझ आ रही, आप आज ही उस पर्पस को क्लियर करोगे। आपने एफिलेट भी ज्वाइन किया है, आपका एक पर्पस अच्छा भी होना चाहिए उसके साथ में, ओके, उसके साथ में एक अच्छा पर्पस होना चाहिए, मेरी बात मान लो आप, ओके। आगे चलते हैं, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, सुना है, ओके ओके ओके, ग्रेट 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 यार, ग्रेट, ओके अभी आगे चलते हैं, आपको समझ आई क्या बात पूरी तरीके से, गिव मी यस, अभी समझ आया रियल पर्पस क्यों इंपॉर्टेंट है, गिव मी यस, फटाक से गिव मी यस, ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। तो माइंडसेट समझ आ गया, रियल पर्पस समझ आ गया, आपको वाई समझ आ गया। अब मैं बात करूंगा एफर्मेशन के बारे में। आपको पता है क्या पावर ऑफ एफर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, पावर ऑफ एफर्मेशन जो हमको ऊपर ले जाने वाला है, बहुत ऊपर ले जाएगा, पावर ऑफ एफर्मेशन जो मैंने अभी 4 साल में भी यूज किया और पहले भी यूज कर रहा था मैं कुछ कुछ, पावर ऑफ एफर्मेशन, हाउ मेनी ऑफ यू नो द पावर ऑफ एफर्मेशन, ओके, बहुत सारे लोग को यस भी और बहुत लोग नो भी बोल रहे हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं, बहुत लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ एफर्मेशन होता है अपने लिए कुछ अच्छा बोलना, रोज अपने लिए कुछ अच्छा बोलना। एक घटना बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा डेंजर घटना है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ पाए तो समझ जाओगे कि आज पावर अफर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बंदा था, आपको सबकॉन्शियस माइंड का पावर अभी बता रहा हूँ, साथ में अफर्मेशन भी उसी में जुड़ा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। एक बंदा था यार, काफी अच्छा था, लेकिन उसके घर में उसकी बेटी जो थी उसको कैंसर था बहुत, तो वो बहुत परेशान रहता था अपनी बेटी को लेके, बहुत परेशान रहता था, वो टेंशन में था। तो जाके क्या करता है, पूरे दिल से, पूरे अपने शरीर के रोम रोम से एक मन्नत मांग लेता जाके, और क्या मन्नत मांगता है कि अगर मेरी बेटी ठीक हुई तो मैं अपना राइट वाला हैंड दान कर दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट वाला हैंड दान कर दूंगा, मतलब अपने राइट हैंड को मैं दे दूंगा। अब मेरी बात सुनना, राइट हैंड को दान करने का मतलब ये है कि अपना राइट हैंड को खोने वाला है वो। अब ये होता है कि वो देखते हैं मेरी बेटी अभी भी ठीक नहीं हो रही, मैं तो मन्नत मांग लिया, बहुत अच्छे से मांगा था, दिल से मांगा था, और बार बार इसके मन में यही चलते रहता है, हो जाए तो मैं कर दूं, हो जाए। एक दिन क्या होता है, लोग कहीं जाते रहते और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और मैं आपको बताऊं उस गाड़ी के एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड चले जाता है। और अच्छी बात बताता हूं, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आती है कि उसके बच्चे की कैंसर गायब हो चुकी है। अब क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूं, यूनिवर्सल पावर जो आपके साथ है वो बहुत खतरनाक है बाबा, मजाक में मत लेना। जो आप गंदा भी बोल रहे हो, देखो एक बात बता दूं, जितने भी आप बड़े बड़े लोग देख लो, जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग देख लो, उन लोग मजाक भी अच्छा करते हैं, मानते इस बात को, मजाक भी अच्छा करते हैं, उस मजाक में बुरा नहीं बोलते, मानते इस बात को, गिव मी यस, फटाक से गिव मी यस, मानते इस बात को, जितने बड़े बड़े लोग हैं उन लोग मजाक भी अच्छा करते हैं, बुरा नहीं, ओके। अब मैं बता रहा हूँ कारण, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक योर वर्ड्स नॉट योर जोक, आपके जोक को नहीं लेता आपका सबकॉन्शियस माइंड, या आपका जो पावर है ना वो सबकॉन्शियस माइंड का, वो जोक को नहीं लेता, वो आपके शब्दों को लेता है, वो शब्दों को फील करता है। अब अगर आप थोड़ा भी गलत बोल रहे हो, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, तो सोच के बोलना बेटा आज के बाद, बहुत बड़ी बात है ये, सच बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है अभी, आप देख लो, ये ऐसी एक घटना नहीं, और ऐसे कई घटनाएं हैं जिसके बारे में मैंने स्टडी किया, रिसर्च कर रहा हूं मैं भी उसके ऊपर, मेरी बात मान लो। आप मदद, अगर मजाक भी कर रहे हो याद रखो, थोड़ा सा ढंग का मजाक कर लो, ओके। तो याद रखना इस बात को, हमेशा याद रखना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके लाइफ में आगे जाने के लिए। अब मैं एफर्मेशन का मतलब बता देता हूँ और आगे।